तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। 18 अक्टूबर को यशोधरा पुलिस थाना अंतर्गत रात्रि में राजू रंभाड़ अपनी भतीजी के साथ गेहूं पिसाने को चक्की पर गया था। तभी एक अपरिचित व्यक्ति ने राजू से पता पूछा। राजू पता बता ही रहा था कि अचानक स्कूटर पर आरोपी करण यादव, शुभम वंजारी, इन दोनों ने मिलकर राजू को साइड होने को कहा और राजू के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों आरोपी दारू के नशे में धुत थे। आरोपी करण ने अचानक जेब से चाकू निकालकर राजू पर वार किया और भाग गए। घटना का पता चलते ही यशोधरा पुलिस ने जांच पड़ताल की और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। मृतक राजू को दो छोटी बच्चियां हैं। बस्ती के सभी लोग और राजू के परिवार वाले सदमे में हैं। सभी का कहना है कि राजू सभी के साथ मिलजुल कर रहता था और अपने परिवार की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। दिनांक 18/10 रोजी संध्याकाळी 8:30 वाजताच्या सुमारास फोनद्वारे माहिती मिळाली की जोशीपुरा हनुमान मंदिरजवळ एका दोन इसमांनी एका इसमात चाकू मारलेले आहे, जखमी आहे। या सूचनेवरून आम्ही घटनास्थळावर पोहोचलो। घटनास्थळावर पोहोचलो असता तिथे जखमी नामे राजू मारोतराव रंभाड याला काही लोकांनी हॉस्पिटल नेल्याचे सांगितले। त्याला जे मारणारे आहेत ते शुभम गुलाब बंजारी आणि एक विधी संघर्ष बालक आहे, त्यांना आम्ही त्या घटनास्थळावरून ताब्यात घेतलेलं आहे। नंतर आम्हाला माहिती मिळाली की जे जखमी आहे तो मेव हॉस्पिटल इथे मृतक झालेला होता। प्राथमिक हत्याचं कारण आतापर्यंत काय निष्पन्न झालं आहे? हत्येचं कारण असं आहे की जे आरोपी आहेत ते स्कूटीने त्याला डॅश मारली। स्कूटीने डॅश मारल्यानंतर तो जखमी आहे, मृतक हा ओरडला, भांडवं लागलं त्यांच्यासोबत। त्याच्यातील एक विधी संघर्ष बालक आहे आरोपीमध्ये, त्यांनी त्याला चाकूनी छातीवरती मारलं, त्यामुळे तो जखमी झाला।